पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आखिरी और निर्णायक टी20 मैच में अफगानिस्तान टीम को 66 रनों से मात देते हुए सीरीज 1-2 से समाप्त की। अफगानिस्तान ने शुरुआती मैचों में जीत हासिल कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। निर्णायक मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान टीम के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने उतरी मेजबान टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप नजर आई और टीम 116 रनों पर ही ढेर हो गई। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के रूप में टीम को पहला झटका लगा। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर है हारिस मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सईम अयूब ने टीम की पारी को संभाला और 40 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों की पारी खेली। इसके बाद तैयब ताहिर ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 13 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन ही बना पाए। इफ्तिखार अहमद ने 25 गेंदों पर 31 रनों की अहम पारी खेली। उनके अलावा शादाब खान ने 28 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान टीम के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान टीम का टॉप आर्डर फ्लॉप नजर आया। सलामी बल्लेबाज रहमान फल्लाह गुरबाज ने 11 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके बाद सिदिकुल्ला अटल ने 11 रनों की छोटी पारी खेली और टीम को शुरुआत में ही झटके लगने शुरू हुए। इब्राहिम का बल्ला भी निर्णायक मैच में नहीं चल पाया, वह महज 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौटे। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा अजमतुल्लाह उमरजाई ने 20 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। कप्तान राशिद खान भी 16 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से एहसानुल्लाह और कप्तान शादाब खान ने 3 से 3 विकेट चटकाए। इमाद वसीम, जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर के खाते में 1 विकेट गए।